कितना वजन है आपका? 2 क्विंटल। 2 क्विंटल मतलब हमसे लगभग 2.5 गुना हुआ। फैटमैन ऑफ बिहार के नाम से फेमस है। छोटा रोटी 120 खा लेंगे आप? हाँ। चावल कितना खाते हैं फिर? चावल खा लेते 3 किलो। 3 किलो? 3 टाइम। समझ लीजिए 3 किलो चावल खाने का खुराक है। कितना चिकन खा लेते हैं? 2 किलो। 2 किलो खा लेते हैं। 2 किलो समझ लीजिए, 2 किलो में हम लोग पूरा परिवार 2 दिन खा लेंगे। समझ लीजिए, रफीक जी बता रहे हैं कि खाना बनाने के डर से इनकी बीवी भाग गई तो दूसरा शादी करना पड़ा। सही में? हाँ सही। चलते फिरते कैसे हैं? गाड़ी में चलता, बुलेट में। बुलेट में पैदल नहीं चल सकते? पैदल नहीं चल पाते हैं। तो समझ लीजिए एक आदमी है जो पैदल चल भी नहीं पाता, बुलेट के जरिए चल पाते हैं। हमको कोई बता रहा था कि रफीक जी पहले स्कॉर्पियो पे चढ़ते थे। सही में? वो क्यों छोड़ दिए? अब नहीं आता सीट में, घुस ही नहीं पाते थे। घुस जाता मतलब स्टीयरिंग फंस जाता है आप ही में, फंस जाता पेट में। समझ लिए, स्टीयरिंग इनके पेट में फंस जाता था, इसलिए रफीक जी स्कॉर्पियो में चढ़ना बंद कर दिए। और आज हम कटिहार में हैं इसलिए कि बिहार का फैटमैन, जिसको आप स्क्रीन पर कई बार शायद देख चुके हैं, उससे दोबारा आपको मुखातिब करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। सामने है ये बिहार के फैटमैन है, जिसको आप बहुत बार देखें और देख लीजिए, ये भारी भरकम शरीर है, इसलिए लोग इसको रिकॉर्ड करने आते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, तो कितना वजन है आपका? 2 क्विंटल। 2 क्विंटल मतलब हमसे लगभग 2.5 गुना हुआ जी। तो हम अभी आप, हमने पिछला वीडियो आपका कहीं देखा, उसमें आप कह रहे थे कि लोग आते हैं हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं चले जाते हैं, कोई हमको मदद नहीं करता। मदद तो नहीं किया। क्या मदद चाहिए आपको? खाना पीना का व्यवस्था कर देना चाहिए, पैसा का। मतलब खाने पीने का भी दिक्कत हो रहा है आपको? क्या करते, काम क्या करते हैं आप? कुछ करने पड़ते हैं। दिन भर में क्या रूटीन रहता है आपका, क्या करते हैं सुबह से शाम तक में? सुबह शाम तक? हाँ, दिन भर में क्या सब करते हैं? बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं? नहीं, कोई काम नहीं, नहीं पता है। तो खाना पीना कितना रोटियां खा लेते हैं, एक जिज्ञासा रहता है लोगों को। 10-12 रोटी खा लेते हैं एक टाइम में। मात्र 10-12 रोटी में पेट भर जाता है आपका? हाथ वाला? बड़ा हाथ वाला मतलब समझ लीजिए, मिथिलांचल में अगर कोई आदमी आता हो तो समझ लीजिए जितना बड़ा चकला होता है ना आपका, इतनी बड़ी रोटी बनती है हम लोग के यहाँ, मोटा वाला हाथ से ऐसे ऐसे, समझ गए? वो 12 रोटी जो एक हम लोग नहीं खा पाते हैं। कितना बड़ा? जो आपका बेलना में रोटी हम लोग बनाते हैं, वो रोटी एक हाथ का रोटी से वो 10 रोटी बनता है। मतलब 10 रोटी के बराबर एक रोटी होता है इसका, 50 रोटी खुराक। इसमें मतलब कि 12 रोटी खा लेते हैं, समझ लीजिए 120 रोटी हो गया फिर। छोटा रोटी 120 खा लेंगे आप। चावल कितना खाते हैं फिर? चावल खा लेते 3 किलो। 3 किलो? 3 टाइम। समझ लीजिए 3 किलो चावल खाने का खुराक है। तो पसंद सबसे ज्यादा क्या है खाने में आप? चिकन। चिकन खाते हैं? हाँ। कितना चिकन खा लेते हैं? 2 किलो। 2 किलो खा लेते हैं। 2 किलो? समझ लीजिए 2 किलो में हम लोग पूरा परिवार 2 दिन खा लेंगे, आपका भी परिवार खा लेता होगा। तो ये डाइट है, और इस डाइट में समझ लीजिए कि आदमी कैसे चल पाएगा, तो इनको इसलिए मदद की जरूरत है। भारी भरकम शरीर अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये हम लोगों की तरह अगर फिट हो जाएंगे तो डाइट भी घट जाएगा। हाँ, क्या बता रहे? बैठने के बाद उठने मुश्किल होता है। उठने पाता? बैठने बाद उठ नहीं पाते हैं जी। नहीं, तो समझ लीजिए एक आदमी है जो पैदल चल भी नहीं पाता, बुलेट के जरिए चल पाते हैं। फैटमैन ऑफ बिहार के नाम से फेमस है। कि पैदल चलो कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हाँ। तो ये पैदल थोड़ा दूर चला, नुंगी कब खुल के गिर गया इसको पता नहीं चला। अपने आप नुंगी खुल के गिर गया? हाँ, पता भी नहीं चला। कितना पढ़े लिखे हैं आप रफीक? कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़े हैं। कितना साल एज हुआ रफीक जी का? 32 साल। 32 साल में 200 किलो। बचपन में कितना वजन था आपका? बचपन में 75 किलो। 75 किलो? कितना साल में? 15-16 साल में। 15-16 साल में 75 किलो? तो मतलब 75 किलो 30 साल में, 15 साल में 75 किलो से 200 किलो का सफर तय किया, यानी 125 किलो वजन बढ़ा है इस 15 साल में। कभी थायराइड का जांच करवाया आप? थायराइड ठीक है। ठीक है, फिर मोटापा क्यों बढ़ रहा है? समझ लीजिए बता रहे हैं कि थायराइड इनका ठीक है, तो मेडिकल साइंस में लोग कहते हैं कि थायराइड के कारण भी मोटापा बढ़ता है या लोग पतला होने लगते हैं। 2 तरह का थायराइड होता है, और थायराइड अगर ठीक है तो क्या कारण है भाई? देश के कोई डॉक्टर अगर देख रहे हैं या कोई संस्थान है जो इनकी मदद कर सकता है, तो हम हाथ जोड़ के विनती है, आप आइए बिहार और रफीक जी का इलाज कीजिए। आप कह रहे थे कि सरकार की तरफ से मदद चाहते हो, सरकार से कोई आया आपसे पूछने के लिए? नहीं, कोई अभी तक नहीं आया। कोई नहीं आया? मुखिया जी कुछ मदद किए आप लोग? जी जी, हम लोग मदद करता है। हमको क्या मदद करते हैं मुखिया जी? पैसा देता है, देख चलाता है। हाँ, आज कह रहे हैं कि 250 रुपया दिए दाढ़ी बाल बनवाने के लिए। तो बाल माथा बड़ा हो गया तो नाई भी बहुत पैसा ले लेता है क्या? कितना पैसा लिया बाल बनवाने? लिया 200 टका। 200 रुपया लिया? भाई नाई लोग है, थोड़ा सा रहम करो भाई,
काहे 200 रुपया ले लिया इनसे, थोड़ा कम लेना था। एक तो ऐसे ही वजन का भार झेल रहे हैं और पैसे का भी भार बढ़ा देंगे तो कैसे होगा। एक बात बताइए तो बुलेट पर कितना तेल जल जाता है, कितना किलोमीटर में कितना तेल जलता है? 15 का माइलेज दे रहा है मात्र। तो तेलवा कहाँ से लाते हैं? मुखिया जी देते हैं, सब भार मुखिया जी के ऊपर डाल दिए हैं जी। तो समझिए ऐसे मुखिया जी भी हैं गांव में जो इनके गाड़ी में तेल भी भरवाते हैं, खाने पीने में भी मदद करते हैं। आज जब हम आए तो समझ लिए रात हो गया, लाइट जलाना पड़ा है रिकॉर्ड करने के लिए। हम आए थे 4 बजे, बारात गए थे रफीक जी, क्या सब खाए बारात में? बारात में खाए मीट चावल। हाँ, अकेले बारात निपटा दिए कि और भी कोई लोग खाए? सब मिलके खाए, सब मिलके खाए। तो आपके लिए अलग से अरेंजमेंट हुआ होगा वहाँ? हुआ तो, मुखिया जी था, मुखिया जी भी थे। अलग बिल बनाया, अलग आपके लिए बिल बना है। खाने वाले को अलग क्वांटिटी ज्यादा होगा। हाँ, समझ लीजिए बारात में जब इस तरह का मेहमान अकेले अकेले चले जाए तो 10-12-15 लोगों का खाना निपटा देंगे। तो डरा रहता होगा कि बारात में ऐसा 4-5 आदमी आ गया तो घर वाले का तो हालत खराब, क्या रफीक जी? नहीं नहीं डरता है, नहीं डरता है, नहीं डरता है। तो एक आप बताए, 3 किलो चावल बन जाता है एक दिन में, तो पत्नी इतना खाना बना लेती है? बनाता है, गुस्साता भी है, गुस्साती भी है। तो भर पेट खाना होता है पर दिन, हर दिन? हाँ होता है, खा लेते हैं भर पेट। हाँ, बना देती है बीबी? कहीं हम सुने आप कहे कि खाना बीबी बना नहीं पाती थी इसलिए छोड़ के भाग गए, दूसरा शादी किए? हाँ वो तो भाग गई पहले। क्यों? वही डर से भाग गए, खाना बनाने के डर से। समझ लिए, रफीक जी बता रहे कि खाना बनाने के डर से इनकी बीबी भाग गई तो दूसरा शादी करना पड़ा। सही में? हाँ सही। तो कितना रोटी खा लेते थे उस समय में जब वो गई? तो उस समय कितना भात खाते थे? वही 1 किलो चावल का एक टाइम। उस समय में 1 किलो चावल एक टाइम में। और अब नई वाली आई तो अब तो कह रहे हैं आप 3 किलो खा लेते थे, बनाती बड़का हड़िया बनता होगा। तीन टाइम बनाती है। समझ लीजिए, ड्राम जो गिरा हुआ रहता है नदी में, ड्राम जो गिरा हुआ रहता है वैसे ही ड्राम है। अगर नदी में जो ड्राम गिरा हुआ रहता है वैसे ही ड्राम है आप बता रहे? तो कभी लगा नहीं कि ये बढ़ता जा रहा है, खाना कम करेंगे तो इससे घट जाएगा? कम किए कभी? कम भी किए, कहाँ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खाना कम करके भी देखे? हाँ, चलते चल ही नहीं पाते। कोशिश किया लेकिन खाना का लालच में इसको पेट बढ़ते गया, खाना कंट्रोल नहीं कर पाता। अच्छा, तो खाना कंट्रोल नहीं करेंगे रफीक जी अगर उधर गए और वो कहेगा 1 ही किलो चावल का भात खाना, तब कैसे होगा? मजबूरी में रहना पड़ेगा। हाँ, कर लेंगे। हाँ देखिए, ओबेसिटी को घटाने के लिए कह रहे हैं कि जो है मजबूरी में करना पड़ेगा, तो वो भी हम कर लेंगे, तैयार हैं उसके लिए। आगे चलेंगे, बुलेट चलाते हैं, हर कोई दिखाता तो हम भी आपको दिखाएंगे कि रफीक जी का बुलेट कैसा है, बैठते हैं तो बुलेट कैसा लगता है। हाँ देखिए, बैठ गए। अब ये देखिए, बुलेट छोटा पड़ गया आपके लिए भाई, लगता 2 बुलेट लगेगा। हाँ है देखिए, मैन ऑफ बिहार को आप देख रहे हैं बुलेट चलाते हुए। इकलौता ये बुलेट जो है इनको उठा करके ले जाता है। पीछे कोई बैठ पाता है कि नहीं आपके? बैठता है। पत्नी को बैठाते हैं पीछे कभी? बैठाते हैं। हाँ, ये देखिए रफीक जी को पीछे से देख लीजिए, छोटा हाथी इन्हें लोग बोलता है। सच में ये बुलेट गाड़ी है। देखिए पूरा सौकर बैठ गया, गाड़ी का आवाज़ सुन लीजिए आप। ये देखिए तो पूरा गाँव जमा हो गया रफीक जी को देखने के लिए। रफीक जी अगर आपके मन में और कोई बात है, अगर थोड़ा कैमरा आगे आ जाए और बुलेट बा बंद कर लीजिएगा तो आवाज़ बा बढ़िया से आएगा ओकरा में। हाँ, अगर आपके मन में और कुछ कहने का मन है, देश का लोग देख रहा है आपको, कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और आपके मन में निवेदन है तो आप कर लीजिए। क्या निवेदन है? वही मदद चाहते हैं। आप सुने कि मीडिया में जब लोग आते हैं तो बड़ी नाराजगी झल्ला के एकदम बता देते हैं हमको वीडियो नहीं बनवाना है, तो लोग देखना चाहता तभी तो कोई बनाने आता है। आता है, सब बोलता है तुम्हारा काम हो जाएगा, अब रिवर हो जाएगा। हाँ, सब यही कह के जाता है लेकिन कोई काम नहीं करता। देखिए, लोग कहता है कि इसका काम हो जाएगा, कोई काम करता नहीं है, कोई आपका नंबर नहीं दिखाया कि भैया इसको मदद करो, यही कह रहे हैं आप? बेचारे का इतना मोटा हो चुका है कि न कमाने का हुनर है न चल पाते हैं। तो इससे हम लोग तो राज्य सरकार बिहार सरकार से भी आग्रह किए थे कि इसका मदद हो, और अभी इसका जो कोई काम नहीं करता तो इसका खाना पीना में भी बहुत परेशानी का विषय है। अपना अकाउंट नंबर दिया है, सारे भारतवासी को ये कहेंगे जो आप लोगों से बन पड़े, इसको दिए हुए कोई आपसे घटेगा भी नहीं, पुण्य का काम है, इनको मदद आगे बढ़ के कीजिए। जैसे हमारे पटना से आए पत्रकार महोदय जो है, इनको अभी शुभारंभ किए, मतलब ओपनिंग के 1100 रुपया दे करके, इसी तरह सबका लक्ष्य होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 1100 ही दीजिए, आपको जो बनता आपको जो जितना बनता है वही दीजिए। सच में आपको फैट मैन कहता तो लोग चिढ़ते नहीं ना? नहीं कहते। हाँ, लोग हाथी बोलता आपको चिढ़ते हैं क्या? नहीं नहीं, चिढ़ के क्या फायदा मिलेगा। हाँ, अगर लोग मदद करना चाहेगा, हम यहीं से शुरू करते हैं, तो कैसे करेगा आपको ये बताइए सबसे पहले?
नंबर दे देना गूगल पे नंबर। गूगल पे पर आपका अकाउंट है, लिंक है जी? क्या नंबर है उसका? 82 10 200 365 8210 200 जी और 365 365। तो ये नंबर है इनका, इस नंबर पर आप चाहें तो आपको जो स्वेच्छा लगता है वो इनके सहायता के लिए आप दे सकते हैं।